जौनपुर के बीआरपी इंटरमीडिएट कॉलेज में सोमवार को शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि समाजसेवी अशोक सिंह शामिल हुए। इस दौरान कॉलेज की छात्राओं ने उन्हें राखी भी बांधी। अशोक सिंह ने कहा कि देश की आज़ादी से लेकर लोगों में अच्छी शिक्षा और संस्कार डालने का काम शिक्षक ही करता है, इसलिए शिक्षक का महत्व सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि यहाँ की बच्चियों ने मुझे राखी बांधी है और मुझसे जो भी संभव होगा विद्यालय के लिए और छात्राओं के लिए करने का काम करूँगा। जी, आज आपको पता है कल शिक्षक दिवस था, तो रविवार का दिन था, इसलिए वो शिक्षक दिवस आज मनाया जा रहा है। तो मैं मुंबई से, मेरा भी विद्यालय है वहाँ से, कल शिक्षक दिवस मना के आज सुबह की फ़्लाइट से हमारे यहाँ के प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल डॉक्टर सुभाष सिंह जी हैं, मैं उनके आग्रह पे फिर यहाँ पे आया और ये यहाँ पे मैं देखा कि बच्चों का जो उत्साह है शिक्षक दिवस मनाने में, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये शिक्षक दिवस, मैंने शिक्षक दिवस पे बोला भी ये अपनी वाणी के माध्यम से कि ये शिक्षक दिवस इसलिए मनाया जाता है कि भाई शिक्षक गुरु होते हैं, अगर शिक्षक न होते तो फिर ये देश की जो सारी कार्यप्रणाली है, संस्कार है, आज़ादी की बात है, ये क्योंकि इनका ही काम था कि लोगों को जागृत करना कि आपका देश गुलाम है, आपका देश आज़ाद होना चाहिए, आपका ये संस्कार है, ये करोगे तो ख़राब होगा, ये करोगे तो अच्छा होगा। तो मैंने अपने एक गुरुओं से सीखा भी था कि जो मैंने पढ़ा था कि गुरु गोविंद दो उखड़े का केला गोपाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ये मैंने अपने भाषण में भी कहा कि हम गुरु ऐसे गुरु को सलूट करते हैं कि जिनकी शिक्षा मात्र से, जिनकी शिक्षा देने से हम आज अपने देश को गुलामी की जंजीरों से छुड़ा के आज़ादी के रूप में देख रहे हैं और भविष्य में भी देखेंगे। इसलिए हम शिक्षक दिवस को मनाते हैं कि हमें याद करना है कि हमें गलत राह पे नहीं चलना है, अपने देश के लिए अपने खून पसीना बहाते हुए, अपनी जान की कुर्बानी देते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने देश को आज़ाद रखें। जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया है। तो मेरा एक फ़र्ज होता है इस विद्यालय के लिए, मैं उसको जो यथासंभव जो मेरे पास शक्ति है मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। जो यहाँ पे मैं व्यवस्था में देख रहा हूँ, जो कमरे हैं या जो भी कुछ है, तो मुझे कुछ न कुछ करने की कोशिश करूँगा। मैं इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ कि मैं कुछ न कुछ करूँगा ज़रूर इस विद्यालय के लिए।